हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपी इज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक रेसिपी जो खाने में भी टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है। मारीगोल्ड बिस्किट की बर्फी, आप इसे किसी भी बिस्किट से बना सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 10 रुपए वाला मारीगोल्ड का पैकेट लिया है। बिस्किट निकाल लेंगे। मिक्सी जार ले लिया है, इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास पहले से रखे बिस्किट हो और वो सिल गया हो तब भी आप उसे यूज कर सकते हैं। मिक्सी जार का ढक्कन लगा के फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। बिस्किट को पीसकर फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी मोटे टुकड़े नहीं हैं बिस्किट के। अगर आपको लगे कि सही से नहीं पीस पाया है तो आप बिस्किट पाउडर को एक बार छान लें। एक बाउल ले लिया है, हाफ कप मिल्क पाउडर, हाफ कप दूध, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप इसकी जगह पर मावा भी यूज़ कर सकते हैं, 100 से 150 ग्राम। इसको अभी एक साइड में रख लेंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। 2 चम्मच घी ऐड कर लेंगे, घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, गैस का फ्लेम मीडियम से भी थोड़ा सा कम पे रखेंगे। पीसा हुआ बिस्किट पाउडर ऐड कर लेंगे। लगातार चलाते हुए पाउडर को थोड़ी देर भूनेंगे। बिस्किट पाउडर को आप बिना भुने हुए भी यूज़ कर सकते हैं, पर भून लेने पर इसका टेस्ट और कलर बहुत अच्छा हो जाता है। बिस्किट पाउडर का कलर भी चेंज हो चुका है और अच्छे से ये भुन भी गया है। निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। फिर से मैंने वही कढ़ाई रख लिया है। 1/4 कप पानी ऐड कर लेंगे, 1/2 कप चीनी। चीनी को अच्छे से घुलने देंगे। फ्लेवर के लिए मैं इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ। आप अपने पसंद के अनुसार कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। चीनी अच्छे से घुल चुकी है, गाढ़ा होने तक पका लेंगे। चाशनी हमारी गाढ़ी और चिपचिपी होने लग गई है। मिल्क पाउडर वाला मिश्रण ऐड कर लेंगे। लगातार चलाते हुए उबाल आने देंगे। उबाल आने लग गया है, गाढ़ा होने तक पका लेंगे लगातार चलाते हुए। मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि मारीगोल्ड बिस्किट बहुत ही कम मीठा होता है। दूध का मिश्रण गाढ़ा होने लग गया है, बिस्किट पाउडर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह समेटते हुए पकाएंगे। आप देख पा रहे हैं कढ़ाई छोड़ने लग गया है मिश्रण। थोड़ा सा और पका लेंगे। बर्फी का मिश्रण बिल्कुल डो की तरह इकट्ठा होने लग गया है, गैस ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले लिया है। ट्रे में मैंने फॉइल पेपर लगा लिया है। फॉइल पेपर की जगह पे आप बटर पेपर लगा सकते हैं। अगर आपके पास दोनों में से कोई सा भी पेपर नहीं है तो सिर्फ ट्रे में चिकनाई लगाकर भी आप बर्फी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से बारीक कटे काजू ले लिए हैं। बर्फी का मिश्रण रखेंगे और ऐसे सेट भी करते रहेंगे, इक्वल कर लेंगे। बर्फी को सेट होने के लिए रख देंगे पंखे के नीचे। बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है बर्फी। चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, टिन को ऐसे पलट लेंगे, फॉइल पेपर रिमूव कर देंगे। काफ़ी अच्छे से ये सेट हो चुका है, कट लगा लेंगे। पीसेज आप अपने पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा रख सकते हैं। काटने से ही आपको पता चल रहा होगा बर्फी कितने अच्छे से सेट हुई है। लग रही है ना देखने से बिल्कुल मार्केट वाली महंगी मिठाई? तो आप भी इस तरीके से बिस्किट से एक बार बर्फी ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।